बिजावर वन परिसर में जैव विविधता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और वन परिक्षेत्र में पदस्थ समस्त वन अमले ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यशाला में जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण, वन संपदा संरक्षण पर SDO वन AK दीक्षित और रेंजर AK तिवारी द्वारा अपने अपने उद्बोधन दिए गए। साथ ही इस क्षेत्र के जाने माने वैद्य भगवान दास विश्वकर्मा ने भी आयुर्वेदिक चिकित्सा में काम आने वाली जंगली पौधों का परिचय कराते हुए विभिन्न बीमारियों में काम आने वाली जंगली औषधियों पर चर्चा की। साथ ही वन रक्षक जगदीश रैकवार मास्टर ट्रेनर द्वारा भी वन संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण तथा जैव विविधता पर अपना उद्बोधन दिया। बायोडाइवर्सिटी से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ऐसे शासन के निर्देश थे, समस्त स्टाफ को इकट्ठा करके मास्टर ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग दी जाए। तो प्रसिद्ध स्तर पर दो मास्टर ट्रेनर थे, एक शासकीय श्री जगदीश रैकवार मनक्षा एवं श्री भगवान दास विश्वकर्मा, ये वैद्य जी हैं जो मास्टर ट्रेनर हैं। उनके द्वारा सूक्ष्म जीवों, वन्य प्राणियों एवं जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु पादप हर श्रम वगैरह सभी पाई जाती हैं, उनके विषय में जैव विविधता से संबंधित क्या नियम बनाए गए हैं, क्या कानून है और कौन कौन से अभिलेख अभिसंधारित करना है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई एवं सभी स्टाफ को इस विषय पर एक कार्यशाला में बारीकी से सब जानकारी दी गई। बिजावर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।